हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट में देखें तो कल एक 10 तारीख को हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, एक जंप ऊपर को स्पाइक देखने को मिला और आज हमें हल्का सा डिप देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न समझेंगे कि क्या रीज़न है, क्यों ये तेजी आई और अभी क्या होने वाला है, इसमें फर्दर क्या हो सकता है, सारा कुछ डिटेल में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो भैया कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग, आप स्टॉक्स एंड IIFL में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलता है। अगर आप ट्रेडिंग सीखने चाहते हो, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करवा लो, बिल्कुल फ्री में आपको अपने प्रीमियम कोर्स में एनरोल करूंगा। बाहर जिसका प्राइस 20 से 25 हज़ार रुपये होता है, बिल्कुल फ्री में आपको ये मिलने वाला है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और ट्राइडेंट के ऊपर काफ़ी सारे डिस्कशन हैं करने को, करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न हमें नज़र आ रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो रिवाइव हो रही है। कोविड के केसेस मुबारक हों आप सभी को, मैं भी बहुत खुश हूँ, आप लोग भी खुश हो कि कोविड की केसेस जो है वो लगातार आपको एक कम होते हुए मैनर में नज़र आ रही है। बढ़ता मैं कहने लग गया था, कम होते हुए मैनर में नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें 86,000 पे पहुँच गया था, अगर कुछ दिन पहले देखें, ये देखिए यहाँ पे 7 तारीख को इसका 86,000 सिर्फ था, 86,000 रुपये कह रहे 86,000 नंबर्स थे कोविड के न्यू केसेस के। अभी 92,000 है, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट मैनर में है, लेकिन कहाँ 4 लाख था और कहाँ नीचे आया है, तो बहुत अच्छी बात है कि चीज़ें कम होती हुई नज़र आ रही है, इकोनॉमी पटरी पर आ रही है। बहुत कुछ लॉकडाउन खुल रहे हैं, अनलॉक हो रहे हैं, जहाँ अगर आपको देखें तो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी सस्टेन करने वाला है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बढ़िया तेज़ी आपको यहाँ पर दिखा सकता है, एंड साथ ही साथ पंजाब टेक्सटाइल में भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी आई है। अगर लगा नज़र आएगा तो पंजाब टेक्सटाइल इंडस्ट्री अवेल 7,600 करोड़ क्रेडिट इन 2020, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो भैया टेक्सटाइल काफ़ी अच्छा है। लुधियाना देखें तो अगर टोटल एक्सपोर्ट में 10% कंट्रीब्यूट करता है लुधियाना, तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी टेक्सटाइल में आ रही है, काफ़ी बढ़िया चीज़ें सामने आ रही है, प्लस पॉइंट आ रहा सामने, जो कि एक अच्छी बात है। एंड लेकिन इन सब के होते हुए भी ये सब तो इफ़ेक्ट डालेंगे लॉन्ग टर्म पे। अब ये सब जो हमने बातें की कि इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, टेक्सटाइल का डिमांड निकलेगा, डिमांड निकलेगा तो ऑब्वियसली बात है सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो कंपनी का फ़ायदा होगा, लेकिन इसका प्रूफ भी मिल गया है हमें। आपको पता है ट्राइडेंट हर मंथ अपना जो प्रोडक्शन है उसका डिटेल सबमिट करता है 10 तारीख को। कल 10 तारीख था, 10 तारीख को वो आया है और देखिए ट्राइडेंट में एक बढ़िया जंप आ गया। अगर मैं देखूं तो ये आप देख पाओगे, ये ट्राइडेंट की तरफ से कब 10 तारीख को कल सबमिट किया गया BSE एंड NSE को। ये बता रहे हैं भैया जो इनका क्वांटिटी है बाथ लिलन का वो कितना मैट्रिक टन है, 5,122। लेकिन लास्ट मंथ क्या था, तो लास्ट मंथ का मैं लगाऊंगा और यहाँ पर टेन मई का है और यहाँ पर अगर देखें तो 4,549 मैट्रिक टन जो था वो बढ़ के भैया 5,000 पे आया है 4,500, जो बहुत अच्छी बात है। बेड लिलन की मैट्रिक टन अगर देखें तो 3.04 है अभी का और लास्ट टाइम 3.33 था। बेड लिलन का थोड़ा सा डिमांड कम है, लेकिन अगर मैं बात करूँ बाथ लिलन का डिमांड में एक स्पाइक आया है। और साथ के साथ यान, अगर धागे की बात करें, यान की बात करें तो यान में भी अगर देखेंगे तो दोस्त 9,800 नज़र आ रहा है लास्ट मंथ में, जो कि अभी 10,300 हमें नज़र आ रहा है मैट्रिक टन्स। तो बहुत अच्छी बात है, ये तेज़ी में आने ही था क्योंकि यहाँ पर डिमांड में काफ़ी अच्छे खासा बढ़ोतरी हुई है। पेपर में भी मैट्रिक टन्स में अगर बात करें 12,500 नज़र आ रहा है, जो कि लास्ट मंथ में 11,800 था। केमिकल में अगर देखें तो 9,046 नज़र आ रहा है, जो कि लास्ट मंथ में 9,040 था। तो कुल मिला जुला के अगर हम बात करें अच्छी खासी तेजी आई, अच्छी खासी बढ़त हुआ है, जो कि ऑब्वियसली बात है स्टॉक प्राइजेस में मूव तो आना ही था। तो स्टॉक में अगर आप होल्ड करते हो तो मैं ये कहूँगा कि अभी आप होल्ड कर सकते हो। देखो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था स्टॉक का बिहेवियर क्या है, पहले ये समझो, थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ। स्टॉक जो है एक जंप लगाता है, ये एक जंप आया, ये देखो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यस ये एक जंप आया और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया इतना टाइम, ठीक है ना, कंसोलिडेट किया, फिर एक जंप आया यहाँ पर, अगर देखिए यहाँ पर देखिए फिर एक जंप आया और यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन पीरियड में गया, ये देखिए ये कंसोलिडेट किया पूरा, ये पूरा कंसोलिडेट किया, ठीक है ना, फिर एक जंप यहाँ पर भी अभी आता हुआ हमें नज़र आया है। अब आगे क्या होगा यहाँ पर अगर हम देखें तो
तो यहाँ पर अगर देखिए तो फिर यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया, ये देखिए ये मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर भी कंसोलिडेट। ये हर स्टॉक का ना अपना अपना चलने का पैटर्न होता है, तो इसमें भी वही हो रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें भाई, यहाँ पर जो जंप आया है, यहाँ पर भी एक जंप आया 3-4 दिन में, और ये एक कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है। तो एक चीज़ अपन देखते हैं कि जो कंसोलिडेशन पीरियड होता है ये एवरेजली कितना होता है, जो ट्राइडेंट कंसोलिडेट करता है ये कितने दिन करता है। तो मैं यहाँ से कुछ नहीं स्केल लूँगा एक, और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको सीधा यहाँ पर ले आऊँगा, और मैं देखने की कोशिश करूँगा यहाँ पर 85 बार्स, यानी यहाँ पर हमें 85 बार्स नज़र आ रही है, 119 दिन एक स्टॉक एक बार में जो है मुझे 119 दिन यहाँ मिला। यहाँ पे कितना कंसोलिडेट किया अगर मैं देखूँगा, यहाँ से मैं देखूँगा यहाँ से यहाँ तक देखूँगा, अगर यहाँ तक 61 डेज, यहाँ से यहाँ पर देखेंगे कितना कंसोलिडेट किया ये कैंडल से, और सॉरी ये क्या लगा दिया मैंने, सॉरी ये कैंडल से ये कैंडल, राइट 80 डेज, यानी 61 डेज, 80 डेज, 100 डेज, मतलब ये इसके बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है हमें नज़र आ रहा है। कम से कम नहीं तो 2 महीने का अपन व्यू लेके चलते हैं कि मिनिमम जो है 2 मंथ यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। तो ये जो ऊपर आया है इसके बाद अगर देखें अभी कितने दिन हो गए इसको कंसोलिडेशन पीरियड में रहते हुए, तो यहाँ पर हमें 22 डेज, 22 ट्रेडिंग सेशन और हो चुका है। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कुछ इस रेंज में, 80 के रेंज में कुछ यहाँ पर, जो कि तारीख निकल कर आ रहा है कौन सा, 9वां महीना, 9th मंथ में एक बड़ा मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 9वें महीने में हो या 8वें महीने में या 7वें, अगर बीच में कोई एक बड़ा तेज़ी, एक बड़ा हमें कुछ न्यूज़ ऐसा देखने को मिल जाता है पॉजिटिव चीज़ें, तो शायद से वो काफ़ी जल्दी ही हमें एक मूव ऊपर का देखने को मिल जाए। वैसे रिवाइव हो रही है, इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, तो चांसेस ज़्यादा है भैया कि आपको जल्दी ही ये मूव देखने को मिला। एक और न्यूज़ यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि भैया हमें डिविडेंड कब मिलेगा, हमारा डिविडेंड कब आएगा, हमारा डिविडेंड नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं BSE की साइट पे लेके चलूँगा आपको और डिविडेंड वाला पेज खोलूँगा। तो गाइज मैं BSE की साइट पे आया हूँ और यहाँ पर 25/5 को आपको फाइनल डिविडेंड देखने को मिला था। बहुत लोग पूछ रहे हैं पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा। तो मेरे भाई जहाँ पे ये फाइनल डिविडेंड लिखा आ जाता है ना, वहाँ पे आपको कम से कम 1.5 महीना वेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि AGM होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। AGM में क्या होता है, ये ज़्यादातर फाइनल डिविडेंड जो देखने को मिलता है आपको 4th क्वार्टर पे ही देखने को मिलता है, और AGM होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, उसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगती है, उसके बाद रिकॉर्ड डेट आता है, उसके बाद जाके कहीं आपको फाइनल डिविडेंड आया। तो अभी इंतज़ार कीजिए, 36 पैसे का जो डिविडेंड है आपका कहीं नहीं जाएगा, पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, क्रेडिट होगा, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा एनुअल जनरल मीटिंग में तक, जो कि मेरे हिसाब से जुलाई या अगस्त के बीच में होता है कभी, तो इस टाइम तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता इंटरम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड क्या होता है, तो ज़रूर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा अगर आप नीचे कमेंट करते हो। तो होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।